स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे कार्यक्रमों के अवसर पर पर्यटन नगरी डलहौजी में स्थानीय प्रशासन, डलहौजी प्रेस क्लब, रमणीय डलहौजी समाज सेवी संस्था के सौजन्य से एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने किया। उनके साथ रमणीय संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्य भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में डलहौजी के विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों विद्यार्थियों, स्थानीय लोगों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों व यहां घूमने आए पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह तिरंगा यात्रा यहां के मुख्य गांधी चौक से शुरू होकर सुभाष चौक में संपन्न हुई। इस दौरान पूरा नगर मानो तिरंगामय नजर आ रहा था और भारत माता की जय एवं जय हिंद के नारों से पूरी पर्यटन नगरी गुंजायमान हो उठी। इस अवसर पर आशा कुमारी व रमणीय डलहौजी संस्था ऋषभ घई ने समस्त नगर वासियों को इस तिरंगा यात्रा की कामयाबी के लिए धन्यवाद किया और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आज यहाँ डलहौजी के नागरिकों द्वारा और स्कूली बच्चों द्वारा, प्रेस क्लब द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि एक बहुत ही कदम है। हमें अपने आज़ादी के पर्व को बड़े गर्व से मनाना चाहिए और ये डलहौजी वासियों के लिए बहुत एक अच्छी पहल की है कि आज़ादी का हफ्ता मना रहे हैं। आज़ादी का दिवस तो हर कोई मनाता है, मगर आज़ादी का हफ्ता आज़ादी के पर्व के रूप में मनाना ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात है। इस मौके पे, आज़ादी के मौके पे, मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं।